इंदौर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि वाटर प्लस के सर्विस के पहले ही नगर निगम किसी भी हाल में नदी सौंदर्यकरण के काम को पूरा करना चाहता है। प्रतिभा पाल ने सभी अफसरों को नदी सप्लाई से जुड़े कामों का एक माह में पूरा करने का आदेश दे दिया है। सिटी बस कार्यालय में निगम आयुक्त ने अपर आयुक्त संदीप सोनी, रंजीश कशेरा, सिंगार श्रीवास, स्मार्ट सिटी के अधीक्षण यंत्री दिया लोधी सहित अन्य लोगों की बैठक ली। इसमें स्मार्ट सिटी के तहत नदी के किनारे पर चलाए जा रहे सिविल कामों के साथ ही नदी के किनारे रेलिंग लगाने, ब्लॉक लगाने, पौधारोपण के कामों को एक माह में पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। निगम आयुक्त ने नदी किनारे पौधारोपण का काम तेजी से करने के लिए अधिकारी की ड्यूटी अलग अलग से लगाई है। इंदौर ब्यूरो के साथ दीपक सिंह और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। रिवर कॉरिडोर में जो शुद्धिकरण का नदी शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है वो लगभग 2-3 फ्रंट्स पे चल रहा है, जिसमें पहला जितने हमारे एसटीपीज हैं उनको कंप्लीशन को लेकर है, दूसरा जो नदी में मिलने वाले नाले हैं उनकी ट्रैपिंग को लेकर है, और तीसरा जो घरों से सीधे आके सीवरेज नदी या नालों में मिल रहा है उनको लेकर के है। तो इन सभी के लिए जो टाइमलाइन है वो नवंबर रखी गई है, ताकि हम लोग दिसंबर माह तक पूरी तरीके से ये काम पूरा कर सकें। साथ ही साथ रिवर साइड में जहाँ भी हम लोगों को जगह अच्छी अवेलेबल है उसके किनारे सभी जगह वृक्षारोपण और अन्य सौंदर्यीकरण का काम भी साथ साथ में किया जा रहा है, ताकि दिसंबर माह तक आते आते हम लोग सरस्वती और कान का अच्छा स्वरूप देख सकें। साथ ही साथ ये वाटर प्लस में भी इंदौर के लिए एक अच्छी पहल होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।